हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान नगर फ्रॉम अनम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में जितने भी सी एंटर वाले स्टूडेंट हैं, जो अभी मई में एग्जाम्स देने वाले हैं या आगे फ्यूचर में एग्जाम्स देंगे, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है सर कि पेपर कैसे अटेंड करना है टैक्स का। आपको ये छोटी बात लगेगी, बट बिलीव मी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि टैक्स का पेपर कैसे अटेंड किया जाए। क्योंकि अगर आपने टैक्स का पेपर अटेंड करने में गलती की, तो आप कितना भी अच्छा प्रिपेयर किए हुए रहो, आप डिमोरलाइज हो जाओगे और पेपर बिगाड़ दोगे। बिलीव मी, आधे से ज्यादा स्टूडेंट सर टैक्स के पेपर में बैठ के जो डर आता है ना, उसके कारण टैक्स का पेपर बिगाड़ देते हैं। ऐसा नहीं है, आई एम नॉट सेइंग कि टैक्स का पेपर हमेशा टफ आता है या हमेशा इजी होता है। सर, अप्रोच सही होना जरूरी है। तो आज मैं आपको यही अप्रोच सिखाने वाला हूँ कि कैसे क्या अप्रोच रखोगे कि टैक्स का पेपर अच्छा जाए। तो ध्यान से सुनना, फ्रेंड्स को शेयर करना, बहुत काम की चीज है, और लाइक जरूर करना सर। आराम से काम कूल होके बैठ के सुनो सर, ये एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भी बात मिस हुई तो एग्जाम में आपका लॉस। सबसे पहली चीज ये समझो, टैक्स के पेपर में हमें शुरू के जो 15 मिनट्स रीडिंग टाइम मिलता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है सर वो 15 मिनट्स। एक स्टूडेंट बोलता है सर क्या ही होता है वो 15 मिनट्स में, एक तो मैं पूरा पेपर भी नहीं पढ़ पाता हूँ टैक्स का, और टाइम ऐसे ही खत्म हो जाता है। मैनेजमेंट सही नहीं है इसलिए पूरा पेपर नहीं पढ़ पाते। सही मैनेज करना सीखो। अब ध्यान से सुनो कैसे। इनकम टैक्स में ध्यान से सुनना, इनकम टैक्स में पहले तो सर केस सिनेरियो होंगे, कंफर्म्ड है, हर एक स्टूडेंट को पता है सर 15 मार्क्स के केस सिनेरियो है। फिर उसके बाद होगा, पहला होगा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, और उसके बाद बचे हुए तीन क्वेश्चन जिसमें से उसे दो क्वेश्चन करना है। यही कहानी है सर। अब एक स्टूडेंट नॉर्मली क्या करता है, जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, वो क्या करता है सर, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन या केस सिनेरियो पढ़ना चालू कर देता है। ध्यान से सुनना और समझना सर, आपको ही पता है केस सिनेरियो करना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। तो जो बात कंपलसरी है, जो कंफर्म्ड है मुझे करना ही पड़ेगा, आप उसको पहले क्यों पढ़ते हो? ये सबसे बड़ी मिस्टेक है सर। अब होता क्या है, पढ़ने से दिक्कत नहीं है, पढ़ने के बाद स्टूडेंट क्या करता है, उसको लगता है हाँ हाँ मस्त इजी है, चल डिस्क्रिप्टिव पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। ये इंस्टीट्यूट का सबसे बड़ा ट्रैप है, सबसे बड़ा ट्रैप है। जो 15 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पहला क्वेश्चन आता है ना सर, अगर आपने उसको उठाया तो लिख के ले लो सर, आपका टैक्स का पेपर छूट जाएगा सर। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन दिखने में बड़ा प्यारा होता है, ईजी होता है, बट उसके में एक ना एक ऐसा पॉइंट होता है जो आपको घुमा देगा, गजब घुमा देगा सर। और घुमाने के कारण क्या होगा पता है, उस क्वेश्चन में जितना हमें टाइम लगना चाहिए उससे ज्यादा हम डेडिकेट कर देंगे सर। सर आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है सर कि मेरे को एक क्वेश्चन में कितना टाइम डेडिकेट करना है। सर अगर 15 मार्क्स का है तो 15 × 1.8 मिनट्स कर लो सर, ये जो आएगा इतना ही टाइम डेडिकेट करना है, इससे एक मिनट भी ज्यादा टाइम डेडिकेट नहीं करना है। ये बात ब्लड में बैठा लो सर। रीजन ये सर मैं आपको बता रहा हूं सर, 100 मार्क्स का पेपर है, 3 घंटे का टाइम है, हर एक मार्क्स के लिए हमारे पास 1.8 मिनट्स ही है सर। ये बात क्रिस्टल क्लियर कर लो। इसीलिए मैं बोलता हूँ स्टूडेंट को, एग्जाम में जाने से पहले सर एमटीपी देख के जाओ, समझ आता है कोई क्वेश्चन में कितना टाइम डेडिकेट करना है, ताकि एग्जाम में हम वैसे ही माइंडसेट से बैठे और वैसे ही पेपर अटेंड करें। छोटी बातें नहीं है ये, टैक्स के पेपर में तो बवाल बातें सर, बहुत बहुत गलतियां होती है लोगों से टैक्स के पेपर में। तो पहले तो माइंडसेट लेके बैठो, 15 मिनट्स जो मिलेगा उसमें हम रीडिंग टाइम में आप ये कर सकते हो सर कि बाकी जो तीन क्वेश्चन है इनकम टैक्स में, उसमें से दो क्वेश्चन जो आपको लगता हो बेस्ट आते हो वो सिलेक्ट कर लो। एक स्टूडेंट बोला सर मैं तो जीएसटी से चालू करने की सोचा था, क्या मैं जीएसटी से यही चीज अप्लाई कर सकता हूँ? यस, मैंने जो अब इनकम टैक्स होता है, आप जीएसटी के लिए भी सबसे पहले यही अप्लाई कर सकते हो। जीएसटी में सर केस स्टडी होगी, पहला एक बड़ा क्वेश्चन होगा, उसके बाद फिर जीएसटी में बाकी तीन में से दो क्वेश्चन करना होगा, तो आप जीएसटी में भी ये टेक्निक अप्लाई कर सकते हो। डेफिनेटली दिस विल वर्क। पहले आप क्या करो, वो क्वेश्चन सिलेक्ट कर लो जो मुझे करना है सर, ऑप्शनल क्वेश्चन में से तीन में से अपन को दो क्वेश्चन करना है, तो सर तीन में से वो दो क्वेश्चन सिलेक्ट कर लो। अब एक स्टूडेंट बोलता है सर जब मैं दो क्वेश्चन सिलेक्ट करने गया ना, तो मेरे साथ हुआ ये कि ए पार्ट आता था, बी नहीं आता था। फिर एक स्टूडेंट बोला सर ऐसा भी हो सकता है बी आता है ए नहीं आता। ऐसा होता है सर, इट्स वेरी नॉर्मल,
हर बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये चीज होती है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो डिमोरलाइज नहीं होना। आप एक बात समझो, मेरी बात ध्यान से सुनो सर। अगर मान लो क्वेश्चन टू करते हो उसका ए आ गया आपको, बी नहीं आया, फाइन। क्वेश्चन थ्री किए आप, उसका ए नहीं आया, बी आ गया, फाइन। दोनों में एक एक आ गया। अगर एक एक क्वेश्चन भी आ गया और मैं मान लू सर मिनिमम गिरी से गिरी हालत में सर ये 6 मार्क्स और ये 6 मार्क्स, 12 मार्क्स का तो आपको आ गया सर, और यही 12 मार्क्स का आपको जीएसटी में भी आ गया, क्योंकि ये इनकम टैक्स, इनकम टैक्स में देखो मैं गिरी से गिरी हालत, बुरी हालत लेके चल रहा हूँ सर, एक्सट्रीम। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे एग्जाम में कॉन्फिडेंस गेन करते हैं, वर्धमान सर भी ऐसे ही कॉन्फिडेंस गेन करते हैं सर। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जो ऐसे पॉइंट पे डिमोरलाइज हो जाते हैं, पता है कि एक नहीं आया, नहीं बना, छोड़ भाई, पेपर नहीं बन पा रहा है, आधा नहीं आता, टैक्स नहीं आता, क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, ये सब सोचना चालू कर देते हो आप पेपर में। मैं आपको बता रहा हूँ ये सब चीजों से बचने का तरीका। देखो इनकम टैक्स में 12 मार्क्स मिल गया, ठीक, जीएसटी में 12 मार्क्स मिल गया, क्योंकि जीएसटी में भी मैं मान के चल रहा हूँ सर आपको एक आता एक नहीं आता, तो कितना हो गया, 24 मार्क्स का जुगाड़ हो गया, हुआ जुगाड़। पहले मैं 40 की तैयारी करता हूँ सर, ठीक। अब इसके बाद एक चीज तो क्रिस्टल क्लियर है सर, ये बी और जो ये ए वाला पार्ट जो नहीं आया, इसमें भी मैं क्या कुछ ना कुछ करके आऊंगा, यस मैं कुछ ना कुछ करके आऊंगा, और ये कुछ ना कुछ मैं इनकम टैक्स में भी करूंगा और जीएसटी में भी करूंगा। तो सर मैं मान लेता हूँ गिरी से गिरी हालत में यहाँ 3 और यहाँ 3, तो कितना हो गया, 30 मार्क्स का पेपर अटेंड हो गया, ये 30 मार्क्स का प्रॉपर पेपर अटेंड कर दिया। अब सुनो, अब मेरे पास इनकम टैक्स और जीएसटी का केस सिनेरियो प्लस डिस्क्रिप्टिव वाला बड़ा क्वेश्चन बचा है, मतलब 60 मार्क्स का बचा है, ठीक है। अब अगर मैं स्मार्टनेस से आराम से ये 60 में से सर, अगर मैं पहले केस सिनेरियो, मैं स्टूडेंट को बोल रहा हूँ पहले केस सिनेरियो की तरफ सोचना सर। केस सिनेरियो देखो, अब इंस्टीट्यूट दो तरीके से केस सिनेरियो पूछ रहा है, मैंने दोनों एमटीपी दिखाई थी और बताया भी था। एक बार इंस्टीट्यूट ने क्या किया सर, 6 मार्क्स का एक किस सिनेरियो किया, 6 का दूसरा किया, 2 का एमसीक्यू और 1 का एमसीक्यू, एक बार ऐसे इंस्टीट्यूट ने पूछा। दूसरी बार क्या किया, 12 मार्क्स का केस सिनेरियो, 2 मार्क्स का एमसीक्यू और 1 मार्क्स का एमसीक्यू, इंस्टीट्यूट दोनों तरीके से पूछ रहा है सर। तो मैं बोल रहा हूं सर मान लो कोई भी तरीके से आया, आपको क्या करना चाहिए, दिस इज द राइट टाइम, आप केस सिनेरियोस पहले सॉल्व कर लो, एमसीक्यू सॉल्व कर लो, क्योंकि उसमें आपको टिक करना है सर, तो टिक करना है तो फटाफट इसको पहले कर लो। एक स्टूडेंट बोला सर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन क्या मना कर रहे हो, नहीं मना नहीं कर रहा हूं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लास्ट में करना, क्योंकि वो बहुत लेंदी होता है, बड़ा होता है सर, उसमें प्रोसेस ज्यादा होते हैं, उसमें हो सकता है आपको एक आध पॉइंट पे अटको तो लंबा टाइम भी लग सकता है, वो लास्ट में रहेगा ना सर तो टेंशन नहीं रहेगा, बीच में करने जाओगे तो टेंशन बहुत हो जाएगा सर, समझ आई बात। तो ये कर लिया अपन केस सिनेरियो, केस सिनेरियो करने के बाद एमसीक्यू केस सिनेरियो निपटाए, अब चलते डिस्क्रिप्टिव में। स्टूडेंट ने बोला सर एक बहुत अच्छा पॉइंट याद आया, आपसे पूछना था सर कितने वर्किंग नोट दूं। मैं एक स्टूडेंट को बोलता हूं भाई देख डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बहुत बड़े होते हैं, कई स्टूडेंट क्या करते हैं उसमें वर्किंग नोट ही देने चले जाते हैं, अब वर्किंग नोट के चक्कर में क्वेश्चन छूट जाते हैं। भैया इतना ही वर्किंग नोट दो जितना वो क्वेश्चन बना सको, ऐसा नहीं वर्किंग नोट देते जा रहे हैं और क्वेश्चन ही छूट गया, बाद में पता चला आधे एडजस्टमेंट भी नहीं हो पाए। सर एक दो वर्किंग नोट कम भी हुए तो भी चलेगा, जहां एकदम नेसेसरी लगे वहां वर्किंग नोट दो, पर वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को अटेंड करो, क्योंकि उसमें स्टेप मार्किंग होती है सर। तो आप समझो अगर ये केस सिनेरियोस और एमसीक्यू अटेंड करते हो जो कि 30 मार्क्स का, मैं तो ये मान के चल रहा हूं सर आपसे बिगेस्ट मिस्टेक हो सकती है, आप इस 30 में 10 ही ला पाओगे, तो भी आपका कितना हो गया सर, 30 पहले था 10 तो कितना हो गया 40। अब उसके बाद सर जो 15 मार्क्स के, 15 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन इनकम टैक्स का, 15 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन जीएसटी का, कितना हुआ 30, ये 30 में भी अगर मैं 10 मान लूं तो कितना हो गया 50, ये 50 तो तब बोल रहा हूं इनकम टैक्स जीएसटी में जब आप बहुत अपने आप को लोअर साइड पे गिन रहे हो सर, एकदम अनफेवरेबल कंडीशन में लेके चल रहे हो, बट अगर थोड़ी सी चीजें पेपर में फेवर कर गई तो ये 50 से 60 हो जाएगा सर, 60 से शायद 70 भी हो जाए। मैं आपको इसलिए ये सब चीजें सिखा रहा हूं, पता है क्यों सर, एग्जाम में हॉल में आप बैठोगे ये सब तरीके से कॉन्फिडेंस लाया जाता है, पहले जहां से मार्क्स
मार्क्स जुगाड़ करके 40 बन जाए, पहले 40 का प्लान करो, 40 के बाद देखो और कहां कहां बढ़ सकते हैं। अगर 30 तक भी पहुंच गए ना सर कॉन्फिडेंस से, तो भयानक खुश हो जाना अगर 30 मार्क्स का भी सही दिख गया तो, क्योंकि 30 मार्क्स का सही दिखना तो बचे 70 मार्क्स में तो हम इतना तो कर ही लेंगे कि बचा 40 से ऊपर आ जाए, 50 से ऊपर आ जाए, 60 तक पहुंच जाए, ये हो जाएगा। मैं आपको इन सब बातों का इसलिए बता रहा हूं सर क्योंकि ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्योरी क्वेश्चन लिखोगे तो इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करना सर, मार्क्स मिलते हैं सर। सेक्शन सही पता हो तभी लिखना, नहीं पता मत लिखना, गलत सेक्शन मत लिख के आना सर, ये चीज का ध्यान रखना। प्रेजेंटेशन इंस्टीट्यूट के हिसाब से प्रेजेंटेशन करना, कौन टीचर क्या सिखाया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। इंस्टीट्यूट क्या प्रेजेंटेशन सिखाती है दैट मैटर्स अ लॉट, फर्क नहीं पड़ता कौन क्या सिखाता होगा, होगा कोई कितना भी अच्छा टीचर, चाहे मैं चाहे दुनिया, सर इंस्टीट्यूट ने जो प्रेजेंटेशन सिखाया वही मैटर करेगा सर एग्जाम में, क्योंकि इंस्टीट्यूट सजेस्टेड आंसर वैसा ही होता है और इंस्टीट्यूट चेक भी उसी के हिसाब से करती है, ये चीज का ध्यान रखना। टेक्स का पेपर लेंदी होता है, लेंदी, राइटिंग स्पीड गजब रखना सर, गजब, पहले मिनट से स्पीड रखना। एक स्टूडेंट बोला सर हैंडराइटिंग तो बैंड बच जाएगी, अरे बजने दो हैंडराइटिंग की बैंड, कुछ नहीं होता सर हैंडराइटिंग से, पर एकदम इतना भी अति मत कर देना कि मतलब डॉक्टर को भी ना समझ आए कि क्या लिखे हो सर, इतना अति भी नहीं कर देना, पर हैंडराइटिंग पे फोकस मत करना। कई लोग हैंडराइटिंग ही जमाए पड़े हैं, ये चीज कभी नहीं करना। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये मैं नहीं इंस्टीट्यूट ने बोला सर, टैक्स के पेपर में शुरू के 2 से 3 क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट आपको जज कर देगी सर कि आपको कितना टैक्स आता है नहीं आता है। शुरू में आंसर्स अच्छे वाले सिलेक्ट करना, उसी से इंपॉर्टेंट है, वही आपको पास कराएगा सर। मैं नहीं इंस्टीट्यूट बोलती है, हम शुरू में चेक करते हैं बच्चा कितना अच्छा है, उसके बेसिस में डिसाइड करते हैं बच्चे को आगे मार्क्स कितना देना है। मैं नहीं बोलता, इंस्टीट्यूट बोल रही है, तो जब वो बोल रही है तो इस चीज को मानो ना, ये चीज अप्लाई करना है। आई होप मेरी बातें बहुत समझ आई होगी सर, मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बोल के निकला। अगर आप इन सब बातों को टैक्स के पेपर में ध्यान रखोगे ना सर, तो आपका कॉन्फिडेंस मोरल डाउन नहीं होगा सर। पेपर अगर कितना भी एडवर्स आ जाए, कुछ भी पेपर आ जाए, ढूंढना, बस ढूंढना कहां कहां से मैं मार्क्स जुगाड़ सकता हूं। इस वहां बैठ के टेंशन मत लेना, रोना मत चालू कर देना कि सर टैक्स का पेपर टफ आया था, नहीं बन पा रहा है, नहीं हो रहा। अरे नहीं, कुछ ना कुछ तो पेपर में मिलेगा जो आता होगा, अरे 4 मार्क्स 10 मार्क्स का तो मिलेगा, आता होगा। वहां से कॉन्फिडेंस गेन करना चालू करना, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा सर, एकदम से नहीं आएगा। ये टैक्स है, समझ रहे हो मेरी बात, ये चीज समझो। अगर आप ये सब बातें समझ जाओगे ना सर, आपको मोरल डाउन नहीं होगा। आप एक काम करो, लास्ट टाइम तो आ गया, लास्ट टाइम पीरियड में आप कुछ एमटीपी और आरटीपी अटेंड करके देख लो, एमटीपी अटेंड करके देख लो, और मेरी ये वाली टेक्निक से या कहीं से भी पेपर लेके अटेंड करके देख लो। मजा नहीं आ गया तो बता देना सर, ये टेक्निक से आपको पता नहीं चलेगा टैक्स का पेपर बन जाएगा और अच्छे से बन जाएगा, और अच्छे मार्क्स की उम्मीद होगी सर, और गारंटेड अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अरे मेरी बात समझ, प्लीज इसे फ्रेंड्स तक शेयर करो, पसंद आई तो लाइक करना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैंने बताई है सर, ठीक है। आप मेरे साथ बने रहो चैनल में एंड तक, एग्जाम के टाइम वादा है सर 3.5 डेज में आपके साथ रहूंगा, मैं कहीं इधर उधर नहीं जाऊंगा, चाहे आप दुनिया में कहीं से भी क्लास लियो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वो 3.5 डेज आपके साथ रहूंगा, जितने डाउट्स क्वेरीज रहेंगे मैं क्लियर करूंगा, आपकी हेल्प करूंगा सर। आप टेलीग्राम चैनल से कनेक्टेड रहो, उस टाइम तो मैं आपसे व्हाट्सएप टेलीग्राम हर जगह डाउट क्लियर करूंगा और हेल्प करूंगा सर, ठीक है। चलो सर, थैंक यू।